तो गाइस आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छा होंगे। फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, और नए का मतलब आप लोग जो समझिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार, मेरा 10th का पेपर आने वाला है 2025 में, और फरवरी में होगा। हमके लगता है, उम्मीद कि इतना फरवरी में ही होगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों को। और तो देख लीजिए, अब आटा नहीं पिसाया है यार, अभी गेहूँ नहीं पिसाया, अभी मैं रिटर्न लौट के जा रहा हूँ, इधर से लौट के जा रहा हूँ अब घर की तरफ। और मैं आया था दवा लेने के लिए गाय को, और गाय की यार बीमार हो गई थी इसी के लिए। और देख लीजिए, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, इधर जाना है हमें, तो मैं जा रहा हूँ इधर। तो कहने का मतलब ये है भाई ना, कि देख लो ज़िंदगी ऐसी हो गई यार, किसी के भरोसे मत जियो, सिर्फ अपने दम पे जियो। लगता है ऐसे ना कि मतलब सिर्फ अकेले दम पे जियो यार, किसी के भरोसे मत जियो कि नहीं ये आज हो, ये मोबाइल पकड़ेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे, ये वो तो नहीं यार, ऐसा मत सोचो। ज़िंदगी में सिर्फ अकेला ही लड़ना सीखो, जिस दिन अकेला लड़ना सीख गए ना, तो उस दिन कुछ हासिल कर लिए। देख लीजिए, हम रिटर्न लौट कर जा रहे हैं। तो भाई तो अभी मेरा, अभी मैं जाऊँगा गाय के दवा ववा पिलाना है, तो फाइनली अभी मैं जाने वाला हूँ और पहुँचूँगा। देख लीजिए, रोड से इधर जा रहा हूँ, बहुत सावधानी से लिए यार, गाड़ी मोटर नहीं आ रही है तब मैं बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं मैं बनाता। तो आपको भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और शेयर करिए। देख लीजिए, यार एक बच्चा है छोटा सा, वो गाय का जो मैं वीडियो में दिखाता यार, उसे उसकी मम्मी दूध नहीं पिलाती है, मुझे ही पिलाना पड़ता है गाय का दूध। आज वो भी गाय यार बीमार पड़ गई, उसी के लिए दवा लाने गए थे, उसको भी कुछ हो गया था यार, समझ ले यार जिन क्या होगा उसका। दो बच्चे हैं, एक गाय का एक बच्चा है, तो वो दूध वूध नहीं पिलाती थी, उसे छोड़ दी। एक गाय का था तो उसी के सहारे से दोनों लोग जी रहे थे, अगर वो भी अब माथुआ हो गई तो फिर क्या हो गया यार। तो मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। आपको भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, लव यू। तो इस वीडियो में इतना तक रहना था, आगे ना बढ़े।